नहीं नहीं सिद्धवाद नहीं, मेरी तस्वीर मत जलाना, ये तस्वीर नहीं जलाना सिंधबाद। ये तेरा ही तिलिस्म था, तेरा ही तीर था जो तेरी तरफ पलट गया, और ये आग उन मासूम और बेगुनाह इंसानों की फरियाद है जो आसमान से कहर बनकर तुझ पर बरसी है। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है एक दिन खुद उसी कुएं में गिर जाता है। शाह कोकब, मेरे आका, तेरे तिलिस्म, तेरे जादू की एक जंजीर टूट गई है। खुदा के नेक बंदे सिंधबाद ने तेरा तिलिस्म तोड़कर मुझ पर फतेह हासिल कर ली है। तेरी ये सब्ज रंग की तिलिस्मी खोपड़ी, तेरे तिलिस्म की ये पहली चाबी उस सिंधबाद के हाथों में है। शाह कोकब, अब मैं तेरी गुलाम, तेरी बंदी नहीं रही, अब सिंधबाद ही मेरा आका है, अब मैं एक नेक बंदे की बंदी हूँ। ये कैसा मंजर था, सब्ज खोपड़ी का तिलिस्म टूट गया, मगर ये कैसे मुमकिन है, शाह कोकब के तिलस्मी जाल को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। शायद ये कोई डरावना ख्वाब होगा, हाँ ख्वाब ही होगा, ये ख्वाब नहीं हकीकत है मेरे आका, हकीकत। तू ये तू क्या कह रहा है तिलस्मी मुखबिर? सच्चाई बयान कर रहा हूं आका, सिंधबाद ने असगर ज़ोंबा का कत्ल कर दिया। सब्ज रंग की तिलस्मी खोपड़ी अब सिंधबाद के कब्जे में है। अगर ये सच है, ख्वाब नहीं हकीकत है, तो फिर तू यहां क्या कर रहा है? आपको ख्वाब गफलत से बेदार करने आया था आका, खबरदार करने आया था। शाह कोकब को बेदार खबरदार करने की जरूरत नहीं, तू जा और उम्मे खबीस के बेटे खरबान खबीस को बेदार कर, खबरदार कर, तू जा। जजीराए जुल्मात से सिंधबाद जिंदा बचकर निकलने ना पाए। जो हुक्म मेरे आका, अभी जाकर सोए हुए शैतान खबीस खरबान को बेदार करता हूं। आखिर सिंधबाद है कौन जिसने असगर ज़ोंबा जैसे खूंखार हैवान को मारकर सब्ज रंग की खोपड़ी हासिल की है कौन? ऐ शाह कोकब के तिलस्मी गोले, मुझे बता कि ये सिंधबाद है कौन? मुझे बता है कौन?
तिलिस्मी गोले से क्या पूछते हैं अब्बा हुजूर? मैं आपको बताती हूँ कि सिंबाद कौन है। नजमु सहर कुस्ताख बदतमीज, तेरी ये मजाल कि अपने बाप से जबान लड़ाती है। गुस्ताखी माफ अब्बा हुजूर, आप जानना चाहते हैं कि सिंबाद कौन है, तो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि सिंबाद खुदा का नेक बंदा है, इंसानों का दोस्त और शैतानों का दुश्मन है। सिंबाद की दिलेरी और हिम्मत के आगे बड़े बड़े पहाड़ भी झुक जाते हैं। वो अपने जुर्रात और बहादुरी से समंदरों में भी रास्ता बना लेता है। जीत यकीनन मोहब्बत, इंसानियत और नेकी की होगी, नफरत शैतानियत और बदी हार जाएंगे। जजीरा जुल्मात की सब्ज रंग खोपड़ी तो पहली मंजिल थी, इंशाल्लाह सिंबाद सारी मंजिलें फतेह कर लेगा। पहली मंजिल अभी तय नहीं हुई है नजमु सहर, मैं सिंदबाद को सब्ज रंग की खोपड़ी लेकर जजीराए जुल्मात से जिंदा निकलने नहीं दूंगा। तुझे अपने बाप की शैतानी ताकत का अंदाजा नहीं है नजमु सहर, और आपको अल्लाह की कुदरत का अंदाजा नहीं अब्बा हुजूर, नेकी और सच्चाई की ताकत का अंदाजा नहीं। पता नहीं कौन तुझे बरगला रहा है, कौन तुझे भड़का रहा है। सिंदबाद की ये बातें आखिर तुझे किसने बताई, किसने? शहीद गराकरम अमरी ने। क्या शाहे कराकरम आमरी ने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्ग शाह आमरी आप? हाँ सिंदबाद, मैं शाहे कराकरम आमरी, तुम्हारी पहली कामयाबी पर तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। मुबारकबाद? ओ समझा, लेकिन शाह आमरी आपको कैसे पता चला कि मैंने सब्ज रंग की खोपड़ी हासिल कर ली है? शाह आमरी की नजरों से कुछ भी ओझल और पोशीदा नहीं है सिंदबाद। जजीराए जुल्मात तक और जादूगर अक्कास की मौत तक तुम्हारे सफर का एक एक पल, एक एक लम्हा मैंने अपनी आंखों से देखा है। मगर ये कैसे मुमकिन है? गुस्ताखी माफ शाह आमरी, क्या आप कोई जादूगर हैं? मैं भी हैरान हूँ शाह आमरी, आप तो हमारे साथ नहीं थे, फिर भी आपने सब कुछ देख लिया। सब जानते हैं एक इंसान के लिए ये तो नामुमकिन सी बात लगती है। अपनी औलाद के दुख दर्द और तकलीफों से तड़प उठने वाला एक नाकाम इंसान हूं मैं सिंदबाद। जी मैं कुछ समझा नहीं। अपने बेटे शहजादा अम्मार की खुशियों की खातिर पहली तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने के लिए तुमसे पहले मैं भी इस जजीराए जुल्मात में आया था सिंदबाद। क्या? हाँ सिंदबाद, तुमसे पहले मैं खुद इस जजीरे पर आया था, मगर तुम्हारी तरह सब्ज रंग की खोपड़ी को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। गुस्ताखी माफ शाह अमरी, क्या आपकी नाकामी का सबब जान सकता हूँ? सबब एक ही था सिंदबाद, जजीराए जुल्मात में कदम कदम पर फैला हुआ तिलस्मी जाल। यहां आकर मैं जादूगर अक्कास के तिलस्मी जाल में फंस गया। जादूगर अक्कास के तिलस्मी जाल में? तो क्या उस बेरहम अक्कास ने आपकी तस्वीर भी? हां सिंदबाद, मैं अपने बेटे के लिए खुशियां खरीदने निकला था,
मगर मौत के सौदागरों ने यानी जजीरे जुल्मात के जादूगरों ने मेरी जिंदगी का सौदा कर लिया। तो क्या आप हां सिंदबाद, मैं इस दुनिया का इंसान नहीं, एक रूह हूं। अपने बेटे के गम में तड़पती एक बाप की बेचैन रूह जो तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी। अल्लाह तेरी कुदरत। बुजुर्ग शाह अमरी, खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी बेचैनी सुकून में बदल जाएगी। पहली तिलिस्मी खोपड़ी मेरे हाथों में है। शाह कोकब के तिलिस्मी जाल की पहली जंजीर मैं तोड़ चुका हूं और इंशाल्लाह बाकी की खोपड़ियां भी जल्द ही हासिल कर लूंगा। इंशाल्लाह खुदा तुम्हें कामयाब करे। सिंदबाद, शाह आमले की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा आपकी रूह को सुकून बख्शे शाह अमरी। खुदा हाफिज। सिंदबाद, आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। फरिश्ता जो दूसरों की मदद के लिए जुल्म और जुल्मात की ताकतों से लड़ने निकले हैं। आपने इस जजीराए जुल्मात से जुल्म की हुकूमत खत्म करके जजीराए जुल्मात के आम लोगों की भी मदद की है। जजीराए जुल्मात के इंसान आपके शुक्रगुजार हैं, आपको हर कदम पर कामयाबी की दुआएं देंगे। इंशाल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब हों। खुदा हाफिज ए मोहसिन इंसानियत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अब जहाज पर चलते हैं। खबीज खरबान, खबीज खरबान उठ। सोए हुए शैतान, खबीज खरबान उठ। सोए हुए शैतान उठ। ख्वाबे गफलत से बेदार हो, खबरदार हो, होशियार हो खबीज खरबान। शैतान को जगाया, खरबान को नींद से उठाया, मेरी नींद खराब की। ये मैं हूं खबीज खरबान। ओह तो तू है तिलस्मी मुखबिर। हां खबीज खरबान, तू कई महीनों से ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा था। तू इधर नींद में पड़ा है और उधर तेरी मां मौत की नींद सो चुकी है। क्या कहा? मेरी मां मौत की नींद सो गई है? मैं यतीम हो गया हूं, मैं यतीम हो गया हूं।
हबीस खरबान, ये रोने और मातम मनाने का वक्त नहीं है, इंतकाम लेने का वक्त है। इंतकाम? कैसा इंतकाम? नादान खरबान, तेरी माँ उम्मे खबीस को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल किया गया है? कत्ल किया गया है? कत्ल किया गया है? ऐ तिलिस्मी मखबीर, बता कौन है वो कातिल जिसने मेरी माँ का कत्ल किया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो जिसने खबीस खरबान की नींद और गफलत का फायदा उठाया है? उम्मे खबीस की कसम, मैं अपनी माँ के कातिल को बड़ी भयानक सजा दूंगा। जल्दी बता कौन है वो? तेरी माँ के कातिल का नाम सिंदबाद है। उस कातिल ने न सिर्फ तेरी माँ को बल्कि जजीरा जुल्मात के बादशाह असगर ज़ोंबा को भी फना कर दिया है। क्या, असगर ज़ोंबा को भी खत्म कर दिया? हाँ खरबान। असगर ज़ोंबा के मुहाफिज जादूगर अक्कास के होते हुए ये कैसे मुमकिन हो गया? सिंदबाद बड़ा ही खतरनाक है, खुदाई कुव्वतें उसका साथ देती हैं और सारे शैतानी जादू उसके सामने बेकार हो जाते हैं। सिंदबाद तो जादूगर अक्कास को कत्ल करके जजीरा जुल्मात की साहिल की तरफ बढ़ रहा है, जहां उसका जहाज उसके इंतजार में है, और वो अकेला नहीं है। मैं उसी साहिल पर उसकी और उसके साथियों की कब्र बना दूंगा। मेरी माँ के कातिल को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। खबीस खरबान, याद रहे, तुझे सिर्फ अपनी माँ का इंतकाम नहीं लेना बल्कि जादूगर अक्कास और शाह असगर ज़ोंबा के कातिल से भी बदला लेना है। और हाँ, सिंदबाद को खत्म करना तेरा शैतानी फर्ज है, और इस फर्ज की जिम्मेदारी शाह कोकब ने तेरे सर रखी है और खबरदार किया है कि तू फिर ख्वाबे गफलत में सो ना जाना। खबीस खरबान की आंखों में नींद नहीं, इंतकाम के शोले रक्स कर रहे हैं। तिलिस्मी मुखबिर, अब जब तक मैं सिंदबाद को मौत की नींद नहीं सुला देता, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। सिंदबाद, मैं आ रहा हूं। अजीब बात है, सूरज डूबे इतनी देर हो चुकी है और जहाज पर अभी तक एक मशाल भी नहीं जलाई गई। ऐसा कभी होता तो नहीं, मगरिब का वक्त होते ही रोशनी कर दी जाती है। जरूर कोई बात होगी। खुदा खैर करे, चलो जहाज पर चलकर देखते हैं, लेकिन पहले मैं मशाल तो जला लूं। चलो। नासिर, कासिम, ताजुब है, यहाँ तो चिड़िया का एक बच्चा तक नहीं। यूं लगता है उल्लू बोल रहे हैं यहाँ। नासिर, कहाँ हो तुम? कहीं वो जजीरे पर तो नहीं चले गए? नहीं, जहाज को यूं लावारिस छोड़कर वो सब के सब कहीं नहीं जा सकते। पता नहीं कहाँ है सब। सिंदबाद, तुम्हारे सारे मल्ला, सारे नाखुदा मेरे कब्जे में हैं, जिनके बगैर तुम्हारा ये जहाज यहां से हिल भी नहीं सकता। मगर मेरे आदमियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कज़ाक बिन रज़ाक, तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? ये जहाज भी तुमने देख लिया है, इसमें कोई कीमती माल नहीं जिसे तुम लूटना चाहो। सिंदबाद,
सिंदबाद, तुम एक शरीफ नेक और सच्चे इंसान हो, खुदा के बंदे हो, खुदा को खुश रखने के लिए कभी झूठ नहीं बोलते, नहीं बोलते न सिंदबाद। मेरी जान भी खतरे में पड़ जाए तो भी मैं झूठ नहीं बोलता। तो फिर तुम आज क्यों झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पास कोई कीमती सामान नहीं है? मैं सच कह रहा हूँ, मेरे जहाज पर कोई कीमती माल नहीं है। तो ये क्या है? ये आसमान की कहकशा, लाले बदखशा और तुम्हारी मेहमान, क्या तुम इस कहकशा की कीमत, इस हीरे का मोल नहीं जानते सिंदबाद? मैं सच कह रहा हूं, मेरे जहाज पर कोई कीमती माल नहीं है। ये क्या है? ये आसमान की कहकशा, लाले बदख्शा और तुम्हारी मेहमान, क्या तुम इस कहकशा की कीमत, इस हीरे का मोल नहीं जानते सिंदबाद? ये कहकशा तो आसिफ की मंगेतर है, एक शरीफ और गरीब लड़की है। गरीब लड़की। सिंदबाद, कारून के खजाने की कुंजी को जेब में लिए घूमते हो और ये भी नहीं जानते कि जिस कहकशा को तुम एक गरीब लड़की समझ रहे हो, हजारों गरीबों को आन की आन में दौलतमंद बना देगी। क्या सोचने लगे सिंदबाद, कारून के खजाने का नाम सुनते ही खजाने का ख्वाब देखने लगे? नहीं कज़ाक बिन रज़ाक, मैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं जाता। जिंदगी की हकीकतों से टकराना मेरे शौक में शामिल है, और अगर तुम मेरे आदमियों को नहीं छोड़ोगे तो मैं तुझसे भी टक्कर लूंगा। जानता हूं तुम अपनी आदत, अपनी फितरत से बाज नहीं आओगे, जिद्दी हो ना, इसीलिए मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर रखा है कि ना तुम मुझसे टकराओगे और ना मैं तुमसे। बस तुम मुझे कहकशा दे दो, मैं तुम्हारे आदमियों को वापस कर दूंगा, और मैं जानता हूं कि तुम इस सौदे से इनकार नहीं करोगे, क्योंकि ये लड़की तुम्हारे लिए बेकार है और तुम्हारा हर एक आदमी तुम्हारे लिए कारून के खजाने से बढ़कर है, है ना सिंदबाद? कज़ाक बिन रज़ाक, तुम हो बड़े जालिम, अव्वल दर्जे के गुनहगार हो तुम, मगर हो बड़े दिलचस्प आदमी, मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो मगर थोड़ा कम समझते। क्या मतलब, मैं तुम्हें कम समझता हूं? अगर तुम मुझे अच्छी तरह समझते तो मेरे साथ ये सौदेबाजी नहीं करते। मैं जुल्म और झूठ के आगे कभी घुटने नहीं टेकता। नहीं नहीं सिंदबाद, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। दज्जाल। देखा सिंदबाद। दज्जाल। नहीं सिंदबाद। कहकशा,
तू तो बड़ी बेवफा निकली। हमने तुझे तेरे घर से चुरा के सबकी आंखों से छुपा के रखा, मगर तू तोता चश्मे निकली। इधर हमारी आंख झपकी और झपक से निकल गई। बुरी बात है ये। आ मेरे पास आ जा, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। कहकशा आ जा। आ दिलरुबा, तुम क्यों इसे बच्चों की तरह चुमकार रही हो? अब ये बच्ची नहीं रही, चिड़िया के पर निकल आए हैं, उड़ने लगी है। तूने देखा नहीं कैसे फिर से उड़कर निकल गई? अब अगर इस चिड़िया को फिर से पकड़ना है तो हाथ लंबे करो अपने और डाल दो इसके गिरेबान पर हाथ। चल, बहुत हाथ पैर निकाल लिए, चलती है कि मैं दिखाऊं अपना हाथ? तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरे पास कुछ नहीं है। दिलरुबा, ये कहती है किसके पास कुछ भी नहीं है, जरा जरा तलाशी तो ले इसकी। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। और दज्जाल, तुम सिंदबाद की तलाशी लो, और अब्दुल तुम इस चिड़िया की चिड़े की तलाशी लो। जो हुक्म सरदार। खजाने का वो नक्शा इन्हीं के पास है, ढूंढो। इसके पास तो कुछ नहीं है बिन रज़ाक। और इसके पास भी कुछ नहीं है सरदार। मैं रखूंगी। दिलरुबा, तुम हो मेरी औरत की औरत, बस इस कांच के टुकड़े से ही खुश हो गई। अरे वो आईना है, हीरा नहीं। देखो दज्जाल, कहीं सिंदबाद ने कुछ और तो नहीं छुपा रखा है। अच्छा सरदार। सरदार, सरदार ये शराब लगती है। सिंदबाद, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम भी? नहीं कज़ाक बिन रज़ाक, मैं नहीं पीता। मगर मैं पीता हूँ। पियोगे? सरदार, मुझे बचाओ सरदार, सरदार मुझे बचाओ, सरदार, सरदार, मुझे बचाओ सरदार। शराब की रसिया दज्जाल, ये शराब नहीं, तेजाब है। मुझे बचा लो सरदार, मुझे बचा लो सरदार, सरदार मुझे बचा लो सरदार। कज़ाक बिन रज़ाक, मेरे आदमियों को छोड़ दे, वरना इस दज्जाल की लाश को समंदर की मछलियां कबाब समझकर खा जाएंगी और इसका खून तेरी गर्दन पर होगा। मुझे बचा लो सरदार। मार डालो। मार डालो। इस शराबी दज्जाल को लेकर मैं क्या करूंगा? इस कमबख्त को बचाने के लिए अगर मैंने तुम्हारे आदमियों को छोड़ दिया तो कारून के खजाने की कुंजी मेरे हाथ से निकल जाएगी। बचा लो सरदार, सरदार मुझे बचा लो। अगर मैं जलकर मर गया तो आपका जहाज कौन चलाएगा सरदार? बचा लो सरदार, सरदार, सरदार बचा लो सरदार। अरे
अरे हाँ, तुम तो मेरे जहाज का कप्तान हो दज्जाल। अगर तुम ना हुए तो मैं जंजाल में पड़ जाऊंगा दज्जाल। सिंदबाद, सिंदबाद तुम दज्जाल को छोड़ दो, छोड़ दो दज्जाल को। मैं तुम्हारे आदमियों को छोड़ दूंगा सिंदबाद, छोड़ दो दज्जाल को। कहकशा चिड़ी पीड़ी चुप अंधेरा गुप, जो बात करेगा वो तीर खाएगा। खामोश बिन रज़ाक। कहकशा मिल गई, दुश्मन गिरफ्तार हो गया, लेकिन वो खजाने का नक्शा वो नहीं मिला। कहकशा मिल गई तो फिर खजाने का नक्शा भी मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो सिंदबाद भी मरेगा और उसके सारे साथी भी मारे जाएंगे। चलो इन सबको रस्सियों से बांध दो। कहकशा, बड़ी बड़ी तिलिस्मी बलाओं और आफतों का मुकाबला करके उन्हें शिकस्त देके हम बच निकले, मगर इन कज़ाक लुटेरों से अब कैसे बचा जाए? मैं भी यही सोच सोच कर मायूस होती जा रही हूँ। मायूसी कुफ्र है कहकशा, याद रखना, मायूसी भरे हालात में ही इंसान के ईमान और खुदा पर उसके भरोसे की आजमाइश होती है, इसलिए खुदा की कुदरत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। खुदा तो मुसब्बिबुल असबाब है, वो इस मुश्किल हालात में भी कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा। कहकशा भी मिल गई, अब खजाना भी मिल जाएगा। कारून कारून। खजाने के साथ हा? मेरे महबूब दिलरुबा, तुम आज तुम मुझसे मिलने आ गई। हाँ मेरे महबूब, मैं तुम्हारी दिलरुबा। दिलरुबा, तुम्हारी ये आवाज को क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी मोटी कैसे हो गई? समंदर की ठंडी हवाओं में सफर करते करते मेरा गला बैठ गया है। गला बैठ गया है? तब तो जरूर दुख रहा होगा। आओ आओ दिलरुबा, मैं तुम्हारा गला दबा दूं। क्या कहा? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। खिदमत तो मैं करने आया हूँ। क्या? मेरा मतलब है, खिदमत तो मैं करने आई हूँ मेरे महबूब। खिदमत करोगी? यकीन नहीं होता दिलरुबा, हर पल हर लम्हा तुम ही मुझसे खिदमत करवाती रही हो। आज तो मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी मेरे महबूब। मगर
मगर तुम अपने महबूब की क्या खिदमत करोगी? तुम्हारे दुश्मन सिंधबाद को जलाकर खाक कर दूंगी और कहकशा को लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगी। अरे वाह वाह मेरी दिलरुबा वाह। मगर सिंधबाद तुम्हारा महबूब नहीं है कि जिसके कान को पकड़कर उठक बैठक कराओ। ये बड़ा मुश्किल काम है दिलरुबा। तुम उसकी फिक्र मत करो मेरे महबूब, ला मुझे अबशारे कजा का कातिल तेजाब दे दो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ मेरे महबूब, और मैं वापस आकर इस फरमाबरदारी का इनाम दूंगा। इनाम दूंगा? ये क्या दिलरुबा की आवाज भी मर्दाना और अंदाज भी मर्दाना, ये दिलरुबा को क्या हो गया है? सिंधबाद, ये लो आपकी अमानत। तूतन फितना? हाँ ये मैं हूँ आपका खादिम तूतन फितना। तुम्हारी इस मदद का बहुत बहुत शुक्रिया तूतन फितना। तुम्हारा ये एहसान हम हमेशा याद रखेंगे दोस्त। अब मैं एक चीज भूल आया हूँ। क्या? आपका तिलिस्मी आईना। अरे हाँ इसका तो मुझे भी ख्याल नहीं आया। तिलिस्मी आईना तो वो चुड़ैल दिलरुबा ले गई थी। हाँ सिंधबाद मैं अभी आया। दज्जाल, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? अब्दुल, आईना हवा में अपने आप चला जा रहा है अब्दुल, मगर हमने तो आज एक बूंद भी नहीं पी। अब्दुल, मैंने तो जाम को हाथ भी नहीं लगाया। अब्दुल, कहीं आईना फिर वही भूत तो नहीं? भूत, मगर ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है अब्दुल? सिंधबाद, अब आप तमाशा देखिए मैं कैसे आपके दुश्मनों को इस जहाज से 9-2-11 करता हूं। Thank you.
अब्दुल, तूने मुझे मारा, नहीं तो दज्जाल, क्या तूने मुझे मारा? नहीं अब्दुल, अगर हमें कोई तीसरा मार रहा है अब्दुल, मगर कौन? वही भूत, भूत अब्दुल, भूत भूत अब्दुल, भूत 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 अब्दुल, भूत भूत। मेरे मोहसिन सिंधबाद, अब मैं खजाक के जहाज में ऐसी खराबी पैदा करूंगा कि वो कई दिनों तक इस जजीरे से बाहर नहीं निकल सकेगा। लेकिन सिंधबाद, मैं पहले खजाक और उसके गुलाम साथियों को कान पकड़कर इस जहाज से बाहर निकालता हूं। शुक्रिया मेरे दोस्त, इसकी जरूरत नहीं है, खजाक से तो मैं खुद निपट लूंगा। तो मैं चला। सिंधबाद, ये लो आपकी अमानत। मेरे मोहसिन सिंधबाद, अब मैं कज़ाक के जहाज में ऐसी खराबी पैदा करूंगा कि वो कई दिनों तक इस जजीरे से बाहर नहीं निकल सकेगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, इसकी जरूरत नहीं है, कज़ाक से तो मैं खुद निपट लूंगा। बिन रज़ाक, अब तुम अपने इन नन्हे कज़ाकों की फौज को लेकर चुपचाप जंगल में चले जाओ। 500 कदमों तक पीछे मुड़कर भी मत देखना, वरना अभी तो तुम्हारे कपड़े छोड़कर हथियार उतारे हैं, इस बार तुम्हारे। नहीं 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 सिंधबाद, ये गजब नहीं नहीं करना, तुम तो एक शरीफ आदमी हो, ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब चुपचाप जंगल में चले जाओ। जंगल में जंगली जानवर भी तो होंगे सिंह। हथियारों का क्या करें? इन हथियारों को यहीं रहने दें, हमारे निकल जाने के बाद कज़ाक बिन रज़ाक इन हथियारों से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वैसे भी उसे अपना बिगड़ा हुआ जहाज बनाने में बहुत दिन लग जाएंगे। अब हम सुकून से अपना सफर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करके जहाज का लंगर उठा दो, आगे अल्लाह की मर्जी। दौड़ाया। हाँ दिलरुबा, हाँ
मगर वो खुद भी हमसे भाग रहा है। जब हम वापस जाएंगे तो वो जहाज लेकर भाग चुका होगा। फिर भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिंदाबाद। जब कोई हाथ का कंगन देखने के लिए आईने से काम ले तो हंसी आएगी ही ना। तुम क्या कहना चाहती हो शहजादी तस्वीर? यही कि जो चीज आपको सबसे तिलिस्मी खोपड़ी बता सकती है उसके लिए आप मेरे इस तिलिस्मी आईने का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी हाथ कंगन के लिए आरसी इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात बताई तुमने। आका सिंबाद, असल में मैंने इस खोपड़ी को दिलाने में आपकी मदद करके बड़ी भूल की है। ऐसा क्यों कह रही हो? एक नेक काम को भूल कह रही हो तुम? नेक काम को भूल का नाम इसीलिए दे रही हूँ कि अब मुझे ये नेक काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ये तिलिस्मी खोपड़ी ही आपकी मदद करेगी। किसी दूसरे को नेकी का मौका देना भी तो बहुत बड़ी नेकी है शहजादी तस्वीर। ठीक है आका सिंबाद, अगली नेकी इसी तिलिस्मी खोपड़ी की किस्मत में है। अब यही सब्ज रंग की खोपड़ी आपको दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी तक पहुंचाने का रास्ता बताएगी। इसके बाद शायद मेरी जरूरत ना पड़े। तुम्हारी जरूरत भले ही हमें महसूस ना हो मगर तुम्हारी कमी हमें हमेशा महसूस होगी। जब भी आपका दिल चाहे या जरूरत पड़े याद कर लें, मैं आपके हुक्म की ताबे हूँ, हाजिर हो जाऊंगी। इजाजत दीजिए। शुक्रिया शहजादी तस्वीर। ऐ तिलिस्मी खोपड़ी, हमारी रहनुमाई कर, हम दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी तक पहुंचना चाहते हैं। क्या हो रहा है आकाश सिंधबाद? जहाज का रुख अपने आप तब्दील हो रहा है।
ये इस तिलिस्मी खोपड़ी की करामत है। ये तिलिस्मी खोपड़ी हमारे जहाज को सही सिमत मोड़ना चाहती है। हाँ कहकशा, शहजादी तस्वीर ने भी यही कहा था कि ये तिलिस्मी खोपड़ी खुद ब खुद हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाएगी। आका सिंदबाद, जहाज खुद ब खुद जुनूब के रुख आकर ठहर गया है। तिलिस्मी खोपड़ी इशारा कर रही है कि हमारी दूसरी मंजिल जुनूबी सिमत नहीं है। तो फिर जहाज को जुनूब की सिमत में आगे बढ़ाया जाए। बेशक, दूसरी मंजिल का सफर शुरू करो। रुक जा सिंदबाद, ठहर जा। मेरा हिसाब चुकाए बिना तू कहीं नहीं जा सकता। अरे अनजान इंसान, कौन है तू और किस हिसाब की बात कर रहा है? मैं कौन हूँ ये तो तू जान ही जाएगा। पहले ये जान ले कि तू कौन है। तू मेरी माँ का कातिल है। मैंने किसी खातून का कत्ल नहीं किया है। मेरे डर के मारे तू झूठ बोल रहा है। झूठ बोलना सिंदबाद की फितरत नहीं है। क्या ये सच नहीं कि तूने उम्मे खबीज का कत्ल किया है? ओ, तो तुम उम्मे खबीज के बेटे हो। हाँ, मैंने उम्मे खबीज को कत्ल किया है और मुझे अपने इस काम पर पछतावा नहीं, फख्र है। पछताएंगी तेरी आइंदा नस्लें, उन्हें अफसोस होगा उनके होने से पहले तुम्हें मैंने कत्ल क्यों कर दिया। मैं उम्मे खबीज का बेटा खबीज खरबान हूँ, तेरी आफते जान हूँ, तेरी मौत का फरमान हूँ। तूने मेरी माँ की बेइज्जती की है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खबीज खरबान, तू भले ही मुझे अपना दुश्मन समझ, लेकिन मैं तुझे अपना दुश्मन नहीं समझता। अलबत्ता तेरी माँ इंसानियत की दुश्मन थी, मासूमों का कत्ल करके खुशी मनाती थी, कमजोरों पर अपना तिलिस्म आजमाती थी। इसीलिए खुदाई कानून के तहत मैंने उसका कत्ल कर दिया। मगर तेरा कत्ल मुझ पर फर्ज नहीं, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं मेरे रास्ते से हट जा, चला जा यहां से। मैं यहां से जाने के लिए नहीं, तुझे और तेरे साथियों को समुद्र की गहराइयों में दफन करने के लिए आया हूं। ये तेरी शैतानियत है। क्यों ना हो, मैं अपनी माँ का खबासत का और शैतानियत का तन्हा वारिस हूँ। वो उम्मे खबीज यानी शैतान की माँ और मैं खबीज खरबान उसका बेटा हूँ। तू अगर खबीज है तो मैं तुझे भी तेरी माँ के पास यानी जहन्नुम पहुंचा दूंगा। मैं तुम्हें जहन्नुम के आग में नहीं बल्कि समंदर के पानी में गरकाव करने के लिए आया हूं। पूछो, पूछो। बस कर खबीज सरवान, बस कर। तेरी दुश्मनी मुझसे है, तू इन सबको अपनी दुश्मनी की चपेट में क्यों ले रहा है? सिंदबाद, तूने मेरी माँ का कत्ल किया है, इसलिए तू मेरा दुश्मन है। तू और तेरे साथी शाह कोकब के दुश्मन है। तुम सब ने मिलकर जज़ीरा ज़ुल्मात के तिलिस्म को बर्बाद किया है, शाह ज़ोंबा का कत्ल किया है, जादूगर अक्काज को मौत के घाट उतारा है। जज़ीरा ज़ुल्मात को तहस नहस करने की सजा तुम सबको देना ये मेरा शैतानी फर्ज है, इसलिए कि इसका हुक्म मुझे शाह कोकब ने दिया है। तुम सबको मैं समुंदर की तहों में खत्म कर दूंगा।
देख शायद दुलान, तो कब देख, देख मेरे आका, मैंने तेरा हुक्म पूरा किया, मैंने तेरे दुश्मनों को और मेरी माँ के कातिल को समुंदर में जिंदा गर्क कर दिया। अब मैं उस बेहया, बेवफा ज़कालत को उसकी गद्दारी की सजा दूंगा, उसकी नमक हरामी का मजा चुकाऊंगा, उसे शाह अज़र ज़ुम्बा से गद्दारी महंगी पड़ेगी। पता नहीं सबके सब कहां गायब हो गए, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। खोपड़ी और ये कालीन, ज़काला का दिया हुआ नायाब तोहफा। उस तिलस्मी समुद्री कालीन को तो मैं भूल ही गया था। ज़काला, तूने ये कालीन का तोहफा देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐ ज़काला की तिलस्मी व समुद्री कालीन, अब तुझे मेरी मदद करनी है। ने अजल की पासवान ज़काला, शहंशाह ज़ुम्बा से नमक हरामी करके, अपने आखा से गद्दारी करके मुंह छुपाकर कहां बैठी है? बाहर निकल, सामने आ ज़काला। हबीस खरबान तेरे ही जिंदा ने अजल में, तेरी अजल तेरी मौत बनकर आया है। सामने आ ज़काला, नजर आ, सामने आ, नजर आ ज़काला। ज़बान खबीज खरबान, बद दिमाग शैतान, अपना मुंह संभाल कर बात कर। तू अपने जिस आका शाह ज़ुम्बा के बल पर अकड़ता था ना, सिंधबाद ने उसे खाक चाटने पर मजबूर कर दिया है। हस्ती मिटा दी है उसकी सिंधबाद ने। अब ये जज़ीराए ज़ुल्मात ज़ालिमों के तिलिस्म से आजाद हो चुका है। अब तू भी यहाँ से दुम दबा के भाग जा। अब इस जजीरे पर ज़काला की हुकूमत है। अच्छा, उस आदमजात सिंधबाद से सांसबाज करके शाह ज़ुम्बा को मौत के घाट उतार कर तू इस जजीरे की मलिका बन बैठी है ज़काला। अब इस जजीरे से जुल्मों का अंधेरा छट चुका है खबीज खरबान। शाह ज़ुम्बा और उसके काले जादू का नामो निशान मिट चुका है। बरसों बाद यहाँ के बाशिंदों ने सुकून और चैन की सांस ली है। अब ये जज़ीराए ज़ुल्मात नेक इंसानों के दम पर आबाद है खबीज खरबान। ओ, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, शैतान की बेटी शैतानी रास्ता छोड़कर नेकी और भलाई के रास्ते पर चल पड़ी है। हाँ, यही समझ लो खबीज खरबान, अब मैं अपना तिलिस्म, अपना जादू सिर्फ नेकी और भलाई के कामों के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। मेरे मोहसिन सिंधबाद ने तो मेरी दुनिया ही बदल दी है। दुनिया तो तेरी मैं भी बदल डालूंगा ज़काला। तू उम्मे खबीज के बेटे को जानती नहीं, खबीज खरबान को पहचानती नहीं। मैं तो तुम्हें खूब पहचानती हूँ खबीज खरबान, पर शायद तू ज़काला को नहीं जानता। मेरे रास्ते से हट जा,
दूर हो जा जज़ीराए ज़ुल्मात से, वरना ऐसी सजा दूंगी कि अपनी माँ का नाम भी भूल जाएगा तू। तू जैसे शैतान को खुदा याद आ जाएगा। खामोश आफत की परकाला, तू मुझे सजा देगी? बेवफा, बेहया, गद्दार, ले मर। खबीज खरबान, मैं यहां हूं, यहां। बाहर निकाल जकाला, धोखेबाज, दगाबाज। खबीज खरबान, अब ये जंग तू हार चुका है। अब अपनी जिंदगी के बाकी दिन इसी फल में कैद होकर गुजार देना। फूल में जैसे खुशबू कैद नहीं रह सकती, वैसे ही फल भी मुझे ज्यादा देर कैद नहीं रख सकेगा जकाला। वैसे भी ये जंग मैं नहीं हारा हूं, तू हारी है सकाला, ये जंग तू हारी है। तू नहीं जानती सकाला, मैंने तेरे मोहसिन सिंदबाद का जहाज समंदर में गर्काव कर दिया है। उसके बहुत से साथी समंदर में अब तक डूब कर मर चुके होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सामने आ सकाला, हबीज खरबान तेरे ही जिंदा ने अजल में, तेरी अजल तेरी मौत बनकर आया है। तू नहीं जानती जकाला, मैंने तेरे मोहसिन सिंदबाद का जहाज समुंदर में गर्काव कर दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। चुप मर्दूद। समझ में नहीं आता कि आसिफ और कहकशां मुझे समंदर में नजर क्यों नहीं आ रहे। मेरा जहाज भी मुझे नजर नहीं आ रहा। इतना बड़ा जहाज आखिर समंदर में कहां गायब हो गया। समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कहां ढूंढूं। अगर खुदा ने चाहा तो सफर के किसी ना किसी मोड़ पर मुझे मेरे साथी जरूर मिल जाएंगे। खुदा उन्हें अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। अब मुझे तन्हा ही अपनी दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ना है। ऐ तिलिस्मी समुद्री कालीन, अब हमें जुनूब की सिमत में जाना है, जहां जहां ये सब रंग तिलिस्मी खोपड़ी इशारा करे वही रास्ता इख्तियार करो। चलो। जो हुक्म आका। शुक्रिया जकाला, तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ जकाला, तुम्हारे इस एहसान का शुक्रिया लफ्जों से अदा नहीं हो सकता। अगर तुम वक्त पर आकर जहाज को सीधा ना करती, हम सबको बचा नहीं लेती, तो हमारी लाशें भी ना मिलती और मछलियां हमको हड़प कर चुकी होती। अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है।
जब इस शैतान खबीज खरबान ने मुझे बताया कि इसने सिंधबाद का जहाज गर्क कर दिया है, तो मैं उड़ती हुई फौरन यहाँ चली आई। शुक्र है मैं तुम सबको बचाने में कामयाब हो गई। अब मैं सिंधबाद की तलाश में चलती हूँ। आकाश सिंधबाद बहुत दूर निकल चुके हैं जकाला। आसिफ, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें और कहकशा को बचाने की कोशिश में आकाश सिंधबाद मुझसे बिछड़ गए। मगर शहजादी तस्वीर, सिंधबाद सही सलामत तो है? हाँ आसिफ, सिंधबाद ने तुम लोगों को तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे और मजबूरन अपनी दूसरी मंजिल के सफर पर रवाना हो गए। मगर कैसे, जहाज तो यही है, आका सफर कैसे कर सकते हैं? तुम लोग मेरा तोहफा समंदरी तिलिस्म कालीन भूल रहे हो। सिंधबाद जरूर उस तिलिस्म कालीन पर ही सफर कर रहा होगा। हाँ जकाला, तुम्हारा दिया हुआ तोहफा अब सिंधबाद के काम आ रहा है। लो देख लो, तुम सब भी देख लो, आका सिंधबाद बिल्कुल सही सलामत कालीन पर समुद्री सफर में है। शुक्रिया शहजादी तस्वीर। खुदा का शुक्र है आका सिंधबाद सही सलामत हैं। ये फिक्र तो खत्म हुई, मगर हमें उनकी मदद के लिए, उनका साथ देने के लिए उनके पास जाना होगा। हाँ नासिर, अब शहजादी तस्वीर की मदद से हम आका सिंधबाद के पीछे जाएंगे। नहीं आसिफ, तुम्हारा जहाज समंदर कालीन की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। सिंधबाद जरूर अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। जो भी हो, हमारा सिंधबाद तक पहुँचना जरूरी है। हाँ, वरना सिंधबाद कदम कदम पर हमारे लिए फिक्रमंद और परेशान होगा। हमें फौरन जहाज को जुनूब की सिम्त में ले जाना होगा। मगर ये कैसे हो सकता है, इस वक्त जहाज को मरम्मत की जरूरत है। तो ठीक है, खबीज खरबान की तबाही से जहाज में तो टूट फूट हुई है, पहले उसे दुरुस्त कर लिया जाए। आसिफ, इस फल को तुम अपने पास संभाल कर रख लो। इस फल में मैंने खबीज खरबान को अपने तिलिस्म से कैद कर दिया है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रखो, ये लो। डरो नहीं आसिफ, इसे ले लो। जब तुम्हारा जहाज जजीराए जुल्मात से दूर हो जाए, तब इसे ऐसी जगह रख देना जहां किसी इंसान की नजर तक ना पहुंचे। मैं इस खबीज खरबान का साया तक भी जजीराए जुल्मात में नहीं देखना चाहती। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ इसे। अब सकाला को इजाजत दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया जकाला। चलो तिलिस्मी कालीन, और तेज चलो। पांच दिन हो गए, अब तक जहाज की मरम्मत नहीं हुई। आने दो बिन रज़ाक को, मैं उसकी मरम्मत करूंगी। दिलरुबा, ओ दिलरुबा, ओ दिलरुबा, दिलरुबा, ओ दिलरुबा। जब देखो हाथ भर लंबी जबान लटकाकर दिलरुबा दिलरुबा का वजीफा पढ़ते रहते हो। दिलरुबा,
बंद करो ये दिलरुबा का राग। मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आया था कि जहाज की मरम्मत हो गई। नहीं होती तो मैं तुम्हारी मरम्मत कर देती। ये दांत क्यों दिखा रहे हो? वो बात ये है कि सारा दिन काम करके मैं थकान से चूर हो जाता हूँ ना, तो क्या मुँह से फूटो भी? तो तुम्हारे हाथों मरम्मत करवा के बदन को आराम मिलता है ना। हटाओ ये कालिक वाले हाथ, मुँह बिगाड़ दोगे मेरा, चुड़ैल लगूंगी चुड़ैल। चुड़ैल नहीं, चौदहवीं का चांद लगोगी, बस एक तिल लगाने दे, चौदहवीं का चांद। ये बार बार दांतों की नुमाइश मत करो मेरे सामने। देखते नहीं कि मेरा गुड्डा जजीरा जुल्मात में पड़े पड़े किस तरह उकता गया है। 5 दिन हो गए जहाज पर लौटे हुए। मैं क्या करूं दिलरुबा, उस कमबख्त सिंदबाद ने जहाज के कल पुर्जे ढीले कर दिए थे, उन्हें ठीक करते करते हम सब के अंजर पंजर ढीले हो गए थे। मगर मेरी समझ में नहीं आया था कि जब मैं एक पुर्जा ठीक करता था तो दूसरा पुर्जा अपने आप ही ढीला कैसे होता था। अब रहने दो ये गई गुजरी बातों का रोना धोना, और जल्द से जल्द जहाज को आगे बढ़ाने का हुक्म दो। मैं हुक्म देने के लिए ही तुमसे इजाजत लेने आया था दिलरुबा। कल अल सुबह लंगर उठाने का हुक्म देता हूँ। लंगर कल भी नहीं उठेगा सरदार। क्या बकवास करते हो दज्जाल? मैं सच कह रहा हूँ सरदार, लंगर को कल भी नहीं उठाया जा सकेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि क्योंकि लंगर टूट गया है सरदार। लंगर टूट गया है? हाँ हाँ सरदार, और टूटकर समुद्र की तह में धस गया है सरदार। ये तो गजब हो गया गजब। बगैर लंगर के जहाज को हम जरूरत पड़ने पर कहीं भी रोक नहीं सकेंगे। और लंगर को समुद्र के कीचड़ से निकालने में कई और दिन लग जाएंगे सरदार। कई दिन लग जाएंगे? फिर आ गई श्यामत। क्या कहा उस्ताद? कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जहाज में ये उलट फेर हो कैसे रहा है। मैं जानता हूँ सरदार, ये उलट फेर कौन कर रहा है। कौन कर रहा है? वही सरदार, फितना, तूतन फितना सरदार। चुप कर कमबख्त। फिर शुरू कर दिया बकवास। तूतन फितना, नाम मत लो उस तूतन फितने का, और जाओ समंदर में गोता लगाकर लंगर को ढूंढ निकालो। जी सरदार। तूतन फितना, कान पक गए हैं ये नाम सुनते सुनते। तू सिर्फ तुम आ गए? हाँ कैकशा, जहाज की सारी खराबियां दूर हो गई हैं, मरम्मत भी हो चुकी है, अब हमें सफर के लिए तैयार होना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ जहाज जल्द रवाना हो और हम इस जजीरा जुल्मात से दूर पहुँचकर इस सेब को किसी गुमनाम जजीरे की जमीन में दफन कर दें। मुझे इन शैतानी बलाओं से बड़ा डर लगता है। बस 2-1 दिन की ही तो बात है, जहाज जैसे ही जजीरा जुल्मात के इलाके से दूर पहुँचेगा इस सेब में कैद खबीस खरवान से हम छुटकारा पालेंगे। मगर जहाज बगैर तुम्हारे हुक्म के आगे कैसे बढ़ेगा? मेरा हुक्म? ये तुम क्या कह रहे हो अल्नासिर? हाँ आका सिंदबाद तो है नहीं, इसलिए अब इस जहाज की रहनुमाई तुम्हें ही करनी होगी। ये जिम्मेदारी तुम्हें हर हाल में उठानी होगी। तो ठीक है, तो बताइए इस जहाज को किस रुख पर डाल दिया जाए।
आका सिंधबाद ने जनूब की सिंध में सफर करने का इरादा किया था और हम जानते हैं कि वो उसी सिंध में सफर कर रहे हैं, इसलिए हम भी उनके पीछे जनूब की तरफ ही चलेंगे। मुनासिब है। तिलिस्मी खोपड़ी, तू अगर बता सकती है तो बता कि मेरी दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी की मंजिल अब कितनी दूर है। सिंबाद, मैं शाहे जुलान कोकब की तिलिस्मी खोपड़ी अब तेरे कब्जे में हूँ, इसलिए मैं तुझे सियाह रंग की दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी का सही रास्ता बताने पर मजबूर हूँ। सिंबाद, तेरे हर हुक्म पर, हर इशारे पर मैं पाबंद हूँ। तो ऐ सब्ज रंग की तिलिस्मी खोपड़ी, बता मेरी दूसरी मंजिल अब कितनी दूर है। सिंधबाद, तेरे सफर की दूसरी मंजिल जजीराए चकमाक है। सिंधबाद, सियाह खोपड़ी जिसे तू हासिल करना चाहता है जजीराए चकमाक में ही मिलेगी। जजीराए चकमाक? हाँ सिंधबाद, जजीराए चकमाक जंगली और वहशी इंसानों, आदमखोर हैवानों के इस बस्ती में, जहाँ एक खौफनाक और एक खतरनाक जिन चकमाक की हुकूमत है। सिंधबाद, इंसानों और हैवानों की बस्ती जिस पर एक जिन हुकूमत करता है, तो क्या ये भी कोई तिलिस्मी दुनिया है? ऐसा ही समझ लो, उस जजीरे पर चकमाक जिन की हुकूमत है। चकमाक जिन उस जजीरे का बेताज बादशाह है। उस जजीरे का नाम चकमाक इसलिए है क्योंकि वहाँ चकमाक जिन की दहशत और हैवानियत, खौफ और शैतानियत लोगों के दिलों पर हुकूमत करती है। सिंधबाद हुकूमत करती है। जजीरा चकमाक यहाँ से कितनी दूर है? तेरा ये तिलिस्मी और समंदरी कालीन बिजली की रफ्तार से चलता है। इसकी बर्क रफ्तारी के सबब सारी दूरियां सिमट गई हैं, घिसट गई हैं, फासले मिट गए हैं। सिंबाद, तू अपनी मंजिल के बहुत करीब है। सुबह का ये सूरज जब सर पर आ जाएगा तो तुझे जजीराए चकमाक का साहिल नजर आ जाएगा। मगर क्या? मगर मैं सोचती हूँ कि अभी अभी तो तू जजीराए जुल्मात की मुश्किलों और आफतों से बचकर आया है सिंबाद, फिर उस जजीराए चकमाक में अपनी मौत को दावत देने और अपनी जान खोने क्यों जा रहा है तू? सिंबाद, तूने कराकरम के उस शाह आमरी का अंजाम नहीं देखा? वो बदनसीब भी जजीराए जुल्मात में एक मकसद लेकर आया था, मगर बेचारा जिंदगी से हाथ धो बैठा, अपनी मौत को गले लगा बैठा। लगता है तुझे भी अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है सिंधबाद। बस खामोश हो जाए तिलिस्मी खोपड़ी, इंसानी दिलों की बातों को समझना और जानना तेरे बस की बात नहीं है और ना ही तू इंसानी जज्बात को समझ सकती है। तू तो महज एक तिलिस्मी शय है। तू क्या जाने कि इंसानी दिलों दिमाग में जब कोई सौदा समा जाता है तो फिर वो अपनी जान पर खेलकर हर मुश्किल, हर तूफान से टकराने को तैयार हो जाता है, अपने सर पे कफन बांध लेता है। उसके जीने का शौक और मौत का खौफ उसके दिल से निकल जाता है। फिर उसे सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, उसका मकसद। ऐ तिलिस्मी खोपड़ी, मैं भी इंसानियत के उन बारिशों में से एक हूं जो इंसानियत को फना होने से बचाने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए जब अपने कदम आगे बढ़ा लेता है तो फिर किसी भी हाल में उनसे पीछे नहीं हटते। सिंधबाद, तुझे आफतों और बलाओं से टकराने का इतना ही शौक है तो फिर जा, जा सिंधबाद, अपना शौक पूरा कर। चकमाक जिन और उसका जजीरा चकमाक तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ।
ले चकमक और रोटियां भी खा ले। चकमक चकमक रोटियां ही रोटियां, ढेर सारी रोटियां। चुप रह बेहया नालायक, चुपचाप रोटियां खा ले। तू नाराज क्यों होती है माँ? मैं तो तेरे हाथों की बनी रोटियों की तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ कर रहा है? अरे मैं तो थक गई हूँ रोज रोज इन रोटियों का पहाड़ बनाते बनाते। अब मुझसे भरा नहीं जाता ये तेरा जहन्नमी पेट। ओह, मेरा तो खाना पकाते पकाते किसी दिन दम ही निकल जाएगा, समझा? नहीं समझा माँ। नहीं समझा तो जा मर जा, या फिर मुझे ही खाकर खत्म कर दे। हाँ तू कैसी बात करती है माँ, मैं तुझे कैसे खा सकता हूँ? मैं तेरा बेटा हूँ। हाँ, तू मेरा बेटा है? अरे तू जैसी औलाद होने से तो अच्छा है बे औलाद होना। भला कोई औलाद अपनी माँ को इतनी तकलीफ भी देती है? तो फिर क्या करूँ माँ, तू इतने अच्छे अच्छे खाने पकाती है, मैं खाना खाते खाते थक जाता हूँ, पेट भर जाता है पर दिल नहीं भरता। सच बेटा, तुझे अगर अच्छा अच्छा खाने का शौक है ना तो तू तू शादी कर ले। शादी? हाँ हाँ शादी। अरे तेरे इस तिलस्मी गार में एक चांद जैसी बहू आ जाए तो मेरा इस खाना पकाने से पीछा छूट जाएगा। चांद सी बहू? ये चांद सी बहू कैसी होती है माँ? अरे वो तेरे जैसी बदसूरत डरावनी और भयानक नहीं होती है, समझा? नहीं, समझ गया माँ। तू चाहती है कि मैं किसी परिजात से शादी करूं, मगर ऐसी बहू लाने कोकाफ जाएगा कौन? अरे कोकाफ जाने की क्या जरूरत है, तेरे जजीरे चकमाक में तेरा सिक्का चलता है। अरे तू तो बेताज बादशाह है, बादशाह। वो तो मैं हूँ। तेरे इस जजीरे पर आदमजात लड़कियों की कोई कमी है क्या? अरे हाँ माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मगर परिजात की जगह ये आदमजात क्यों? अरे मैंने सुना है कि आदमजात लड़कियाँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। सच माँ? अच्छा बेटा, तो बस अब तू जल्दी से शादी कर ले और बस मैं तेरे सर पर सहरा देख लूं, उसके बाद मैं अपने कोकाफ चली जाऊंगी आराम से। हाँ तो ठीक है माँ, खाना पकाने वाली लड़की से शादी तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूंगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। क्या हुक्म है आका? तिलिस्मी मुखबिर, मेरे लिए एक आदमजात लड़की का इंतजाम। ऐ तिलिस्मी खोपड़ी, तू अगर बता सकती है तो बता कि मेरी दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी की मंजिल अब कितनी दूर है। सिंबाद, तुझे आफतों और बलाओं से टकराने का अगर इतना ही शौक है तो फिर जा सिंबाद अपना शौक पूरा कर। जा सिंबाद, चकमाक जिन और उसका जजीरा चकमाक तेरा इंतजार कर रहा है। क्या हुक्म है आका? तिलिस्मी मुखबिर, मेरे लिए एक आदमजात लड़की का इंतजाम कर। आदमजात लड़की? लड़की का आप क्या करेंगे आका चकमाक? मैं शादी करूंगा। शादी? और आप? हंसता क्यों है बेवकूफ, ये मेरी माँ का हुक्म है। जो हुक्म आका? तो कल से मेरे लिए खाना आदमजात लड़की पकाएगी। नहीं नहीं, तेरी मासूम बेटी पर इतना जुल्म ना करो, इन माँ बाप की बच्ची पर इतना सितम ना करो। ये मेरी इकलौती औलाद है,
मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तू आका चकमाक को नहीं जानता नादान लकड़हारे। अगर तू अपनी बेटी की शादी मेरे आका से कर दे तो आका चकमाक तुझे कोहिकाफ में दरख्तों का इतना बड़ा जंगल दे देंगे कि तेरे खिदमतगार जिंदगी भर लकड़ियां काटते रहेंगे मगर दरख्त कभी कम नहीं होंगे। और क्या चाहिए तुझ जैसे लकड़हारे को? मुझे सिर्फ मेरी बेटी बख्श दो। तिलिस्मी मुखबीर मेरी बेटी को बख्श दो। भला एक आदमजात लड़की की शादी किसी जिन से कैसे हो सकती है? हो सकती है और जरूर हो सकती है। जब मेरे आका चकमाक जिन और तेरी बेटी की शादी हो जाए तो खुद देख लेना लकड़हारे कि जिन और आदमजात का मिलन कैसा होता है। नहीं हरगिज नहीं, मैं अपने जीते जी ये जुल्म हरगिज नहीं होने दूंगा। तो ठीक बात है अहमद बूढ़े, मैं तुझे मार डालता हूं। नहीं छोड़ दो, छोड़ दो। इन्हें मत मारो, छोड़ दो, मत मारो, मेरे अब्बा जान को छोड़ दो। आका चकमाक का हुक्म था इसलिए मैं तुझसे शराफत से बात कर रहा था बेवकूफ लकड़हारे। अब मैं अपनी असलियत पर उतर आया हूँ, अपनी शैतानियत पर उतर आया हूँ। तेरी लड़की को जबरदस्ती उठा लिए जा रहा हूँ। नहीं 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 मेरी बेटी, मेरी बेटी, अब्बा जान, नहीं मत लो, छोड़ो मुझे, नहीं नहीं मेरी बेटी, अब्बा जान, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। ऐ तिलिस्मी खोपड़ी, मुझे बता कि दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी की मंजिल जजीरा ये चकमाक यही है? हाँ सिंबाद, सिया तिलिस्मी खोपड़ी की मंजिल मौत का साहिल जजीरा ये चकमाक यही है। यही है वो जजीरा ये चकमाक जहाँ आकर मौत को गले लगाने के लिए तू बेताब था। जा उतर जा, जा रख दे अपने कदम मौत की सरजमीन पर, रख दे, रख दे। ऐ सब्ज रंग की खोपड़ी, तेरा रंग सब्ज है मगर तेरी जबान काली है, बहुत बदजबान है तू। ऐ तिलिस्मी समंदरी कालीन, मैं जानता हूं कि खुश्क जमीन पर तू मेरी कोई खिदमत नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं कि समंदर की लहरों की तरह जमीन पर भी तुझ पर सवार होकर सफर करूं तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तू अब आराम कर। शुक्रिया मेरे आका सिंदबाद। तुम्हारा भी शुक्रिया तिलिस्मी समंदरी कालीन। रुक जा सिंदबाद, ठहर जा। अब क्या कहना चाहती है तू? क्या फिर कोई बदजबानी, कोई शैतानी करना चाहती है? सिंदबाद, तूने ये नहीं पूछा कि इतने बड़े जजीराए चकमाक में तुझे सिया रंग की तिलिस्मी खोपड़ी आखिर कहाँ और किस जगह मिलेगी? नादान है तू सिंदबाद। बिला वजह हंसना बंद कर और वादे के मुताबिक मुझे बता कि सिया रंग की तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने के लिए मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना है? मौत का रास्ता सिंदबाद, मौत का रास्ता। मेरे सब्र का इम्तिहान न ले, अगर मुझे अपने नेक मकसद के लिए तेरी जरूरत न होती और अगर मैं दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी का तलबगार न होता तो मैं तुझे किसी चट्टान पर पटक कर रेजा रेजा कर देता। हम दोनों ही मजबूरी की जंजीर से बंधे हैं सिंदबाद, तू मुझे पसंद नहीं और मैं तुझे पसंद नहीं, मगर जिस तरह तू मुझसे रास्ता पूछने के लिए मजबूर है ठीक उसी तरह मैं भी ना चाहते हुए तुझे रास्ता बताने और तेरी रहनुमाई करने पर मजबूर हूँ सिंदबाद। तो फिर अपना फर्ज पूरा कर, मेरी रहनुमाई कर, मुझे बता कि मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है सिंदबाद, तो फिर गौर से सुन,
सिया रंग की तिलिस्मी खोपड़ी तुझे इस जजीरे के शहरे खामोशा में मिलेगी। शहरे खामोशा? हाँ सिंदबाद, शहरे खामोशा में ही वो काली खोपड़ी है जिसकी तुझे तलाश है। मगर ये शहरे खामोशा है कहाँ? इसी जजीरे में सिंदबाद, इसी जजीरे में है। और ये शहरे खामोशा तुझे खुद ही तलाश करना होगा, उसका पता मैं तुझे नहीं बताऊंगी। दुहाई है सरदार जिंगारू, दुहाई है सरदार जिंगारू। क्या हुआ? क्या फिर कोई आदमखोर शेर बस्ती में घुस आया है या भेड़िया किसी बच्चे को उठा कर ले गया है? सरदार जिंगारू, वो खूंखार शेर और भयानक भेड़िये से भी ज्यादा खतरनाक है। वो जब चाहता है जहां चाहता है अपनी मनमानी कर बैठता है। कौन है वो जानवर, कौन है वो हैवान जिसे सरदार जिंगारू के जहरीले तीरों का भी खौफ नहीं? उसका नाम चकमाक जिन है सरदार। जजीरा चकमाक में हुक्म तो आपका चलता है मगर मर्जी चकमाक की चलती है। और तुम हमारे ही सामने हमारे दुश्मन की तारीफ कर रहे हो? ये हमारी तौहीन है। नहीं नहीं सरदार, मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ। हम सब जंगलियों की तौहीन तो जिन करते हैं, हमारी बहू बेटियों की बेइज्जती कर रहे हैं। चकमाक जिन की शह पर सारे जिन बेलगाम हो चुके हैं। किसी के घर में किसी भी नौजवान लड़की की इज्जत आबरू महफूज नहीं है। इस बार किस जिन ने किसकी बहू बेटी पर अपनी बुरी नजर डाली है? सरदार, नजर ही नहीं डाली, मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी को खुद चकमाक जिन का खिदमतगार और तिलस्मी मुखबीर जबरदस्ती उठा कर ले गया है। उसे बचा लीजिए सुल्तान, उसे बचा लीजिए। तो उस भेड़िये चकमाक के मुंह में खून लग गया है। सरदार, चकमाक जिनों का सरदार है, वो जिनों में सबसे ताकतवर जिन है और आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, इसलिए अब खतरा आपके दरवाजे पर पहुंच गया है। सरदार, हम दोनों एक खदशे का इजहार करना चाहते हैं। खदशा? और किस बात का खदशा? बात खुलकर करो। जान बख्शी करें तो बात खुलकर कहने की हिम्मत करूं। हमने तुम्हारी जान बख्श दी, अब कहो। आज जो कुछ इस बूढ़े लकड़हारे के साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। आपकी बेटी जरनिगार हसीन और जवान है, अगर इस पर चकमाक जैसे जिन की बुरी नजर पड़ गई तो। खामोश। सरदार, खुदा ना करे चकमाक की बदनजर कबीले की बेटी पर पड़े। ये हम सबकी इज्जत है और इसकी इज्जत के लिए सारा कबीला अपनी जान की बाजी लगा देगा। बाबा, आप मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं, इसलिए मेरा नाम लेने पर आपको गुस्सा आ गया। मगर ये गुस्सा आप इन लोगों पर नहीं, चकमक जिन पर उतारिए। बेटी जरनिगार, तुम ठीक कहती हो, मगर हम जंगली भले कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जिनों से मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी टोली के कई जंगजू और जाबाज चकमाक को खत्म करने की कोशिश में अपनी जान गवा चुके हैं। मगर आप सरदार हैं, आपका फर्ज है कि आप कबीले के हर इंसान की जानो माल और इज्जत आबरू की हिफाजत करें, वरना आपको सरदारी का कोई हक नहीं रह जाता। शुक्रिया बेटे, तुमने मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया। मगर हम सोचते हैं कि करें तो क्या करें। सरदार, चकमाक और दूसरे जिनों की मनमानी
और जुल्म सितम को खत्म करने का एक रास्ता है मेरी नजर में। अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो बिला खौफ बताओ जिब्रालू। हमें माजिम्बा की मदद लेनी होगी। वो लड़की जो सितारा शनाज है, जो सितारों की चाल को देखकर लोगों और जमाने का हाल बताती है, जो इल्म कयास की भी माहिर है, जो अपने खास इल्म से ये कयास लगाती है, ये अंदाजा लगाती है कि आने वाले दिनों में कब क्या होगा। हाँ वही माजिम्बा। तुम्हारा मशवरा हमें कबूल है। हम चकमाक जिन को खत्म करने के लिए सितारा शनाज और इल्म कयास की माजिम्बा की मदद हम जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। खुदा माजिम्बा को कामयाब करे। माजिम्बा, माजिम्बा। माजिम्बा, माजिम्बा, अना माजिम्बा। ऐ तिलस्मी गोले, मैं माजिम्बा तुझसे पूछती हूँ, बता कि वक्त की झोली में कौन से राज छुपे हैं, मुस्तकबिल में क्या क्या होने वाला है, बता। माजिम्बा, ऐ सितारा शनाज, तेरा इल्मे कयास क्या बता रहा है, बता मुस्तकबिल के राज क्या हैं? सरदार जिंगारू, मुस्तकबिल की जड़ें माजी में गड़ी हुई हैं, आने वाला कल गुजरे हुए कल से जुड़ा हुआ है। पहेलिया ना बुझा, सीधी और आसान जबान में बता क्या होने वाला है, गुजरे हुए कल की तू किस बात का जिक्र कर रही है? सरदार जिंगारू, जब से इस जजीराए चकमाक पर शाहे जुलान कोकब के तिलस्म की बिजली गिरी है, तब से ये जजीरा मजीद आफतों और मुसीबतों का शिकार हो गया है। जजीराए चकमाक के आदमजाद और जिन बड़ी तेजी से शैतान को अपना आका, अपना खुदा मानने लगे हैं, और शैतानियत को चप्पे चप्पे में फैलाने के लिए हर तरफ गुनाहों के बीज बो रहे हैं। तिलस्मी ताकतों के काले जादू में गिरफ्तार होकर जिन चकमाक बेलगाम हो गया है। हमारी परेशानियों का खास सबब चकमाक है, जो अपनी शैतानी ताकतों की शह पर आपे से बाहर हो गया है और अपने पंजे हमारी बहु बेटियों की तरफ बढ़ा रहा है। चकमाक हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गया है। इस शैतानी तूफान को हम कैसे रोकें? मैं जानती हूँ, ये तूफान, ये आंधी हर घर की दहलीज तक पहुंच गया है, मगर इस तूफान को तुम में से कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या जजीरे चकमाक के हर घर से इज्जत आबरू उठ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब हम में से कोई भी इस तूफान को नहीं रोकेगा तो क्या कोई आसमान से फरिश्ता आने वाला है? आने वाला नहीं, आ चुका है। रहमत का ये फरिश्ता शैतानी ताकतों पर फतह हासिल करेगा, और शाहे जुलान की वो तिलस्मी खोपड़ी जो जजीराए चकमाक पर सारी शैतानियत फैला रही है, उस मनहूस खोपड़ी को यहां से दूर, बहुत दूर ले जाएगा। आखिर खुदा का वो नेक बंदा हमारा निजात दहिंदा कौन है?
कौन है वो रहमत का फरिश्ता? सिंदबाद। सिंदबाद? 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 हाँ, सिंदबाद, जो शैतानी कुव्वतों के पीछे बुरी तरह पड़ने वाला है। जाओ जरनिगार, सिंदबाद का इस्तकबाल करो। जल्द ही वो जंगलियों की शमाली बस्ती में पहुंचने वाला है। खुदा का शुक्र है, रात ढलने से पहले ही ये बस्ती आ गई। चलो। तुम लोग यहाँ आराम से हाथ तपते बैठे हो और इधर ये अजनबी रात के अंधेरे में हमारी बस्ती में घुस आया है। तुम और हमारी बस्ती में कैसे घुस आए हो? मेरा नाम सिंदबाद है और मैं इस जजीराए चकमाक में अजनबी हूं। वो तो हम देख रहे हैं, मगर तुम्हें जाना कहां है? मैं शहरे खामोशा की तलाश में जजीराए चकमाक आया हूं। क्या बात है, शहर खामोशा का नाम सुनकर आप लोग खामोश क्यों हो गए? तुम शहर खामोशा जाना चाहते हो? हाँ। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? क्यों, क्या हुआ? शहर खामोशा जाना पागलपन है? ऐ अजनबी, तू जजीरा चकमाक को और शहर खामोशा को जानता नहीं है। आजकल जजीरा चकमाक में शैतानियत नंगा नाच नाच रही है और शहरे खामोशा खामोशी का राज है, जहां कोई इंसान जिंदा नहीं जा सकता। मतलब? मतलब ये कि शहरे खामोशा मौत का शहर है, मुर्दों की बस्ती है, कब्रस्तान है। इंसान वहां सिर्फ मौत के बाद ही जा सकता है और जिंदा चला जाए तो मौत उसे हड्डियों के ढांचे में बदल देती है। तो तुम क्या वहां मुर्दों की हड्डियां तलाश करने जा रहे हो? यूं ही समझ लो। क्या मतलब है तुम्हारा? शहरे खामोशा में इंसानी हड्डियों के अलावा एक काले रंग की तिलिस्मी खोपड़ी भी है। मैं उसी सियाह रंग की खोपड़ी को हासिल करने आया हूं। सियाह खोपड़ी? सियाह खोपड़ी? सियाह खोपड़ी? सियाह खोपड़ी? सियाह खोपड़ी? नाम न लो उस काली खोपड़ी का। इस जजीरे में आते ही उसकी काली शैतानी ताकतें और ताकतवर हो गई हैं। मगर मैं उस शैतानी खोपड़ी को तुम्हारे जजीरे से दूर ले जाना चाहता हूं। तुम मुझे बताओ कि उस खोपड़ी को हासिल करने के लिए शहर खामोशा कैसे पहुंच सकता हूं? शहर खामोशा यहां से बहुत दूर है और वहां जिंदा पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका।